हेलो 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 हेलो, वही आ रहा है ना। वही आ रहा है। इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ वही सारा है ना बेटा। शिवानी, प्रिंसेस, महेश, चलिएगा कोई ना, इधर ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ इज ओके। ओके, इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, वेदर की प्रॉब्लम है, तो कॉपरेट प्लीज। तो चलिएगा, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों कि जब भी फैमिली प्लानिंग के कपल की आप काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग करने के लिए बेटा आपको गैदर टेक्निक यूज करना होता है। व्हाट इज गैदर टेक्निक? गैदर टेक्निक मींस फर्स्ट जी मींस होता है ग्रीट, और ग्रीट मींस होता है वेलकम, स्वागत करना। देन आस्क, उनसे पूछिएगा आप कि आपको ऐसा ऐसा जरूरत है क्या। देन टेल, मेरे बच्चों आप उनको बताइए क्या होता है, क्या करने वाले हो। देन हेल्प, आप उनकी मदद करिए। देन आप उसे एक्सप्लेन करिए पूरा प्रोसीजर, एंड देन फाइनली रिटर्न टू द हॉल। तो गाइस, दिस टेक्निक इज नॉन एज द गैदर टेक्निक, और गैदर टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, गाइस, आरयूसीडी इज नॉट इंसर्टेड इफ द, आरयूसीडी कब इंसर्ट नहीं कर सकते आप, कौन सी कंडीशन में? सर्वाइकल मूवमेंट इज पेनफुल, यूट्रस इज एनलार्ज्ड, सर्विक्स इज नॉट मोबाइल, हार्ड और ब्लीड टू टच। तो मेरे प्यारे बच्चों, आरयूसीडी कब इंसर्ट नहीं किया जा सकता? ऑल दीज थ्री कंडीशंस आर एबनॉर्मल, नॉट कंपैटिबल टू इंसर्ट द आरयूसीडी। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द थ्री कंडीशंस, दे आर नॉट सुटेबल कंडीशंस फॉर द आरयूडी इंसर्शन, and so our right answer is the option number D, all of the above. Crystal clear hai? Now see the question number 8. Following as per appropriate candidates for the IUCD accept. Dosto, aapko kaha ja raha hai ki following are the appropriate candidates for the IUCD accept. Kaun se candidates ko chhod kar ke baaki sab आईयूसीडी के लिए अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स हैं? एचआईवी वुमेन्स विदाउट द एड्स, देन एचआईवी वुमेन्स हु हैव द डेवलपमेंट ऑफ द एड्स, देन एचआईवी वुमेन्स हु आर क्लिनिकली वेल एंड द एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एंड नन ऑफ द अबो। व्हाट इज योर राइट आंसर गाइस इन दिस क्वेश्चन? तो गाइस याद रखिएगा, आईयूसीडी जो हम इंसर्ट कर सकते हैं उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन अप्रोप्रिएट होती है। तो हमें यहाँ पर तीन बातें बोला गया है, एचआईवी है और एचआईवी होने के बाद एक वुमेन को एड्स नहीं है, एचआईवी इंफेक्शन है बट इज नॉट हैविंग द एड्स, देन इट इज सुटेबल अप्रोप्रिएट फॉर द आईयूसीडी, इसे आईयूसीडी लगाया जा सकता है। मेरे बच्चों, एचआईवी वुमेन है बट हु हैव द डेवलपमेंट ऑफ द एड्स, और इसे एड्स भी हुआ है, हो रहा है, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द इंसर्शन ऑफ द आईयूसीडी, इसे आईयूसीडी नहीं किया जा सकता है मेरे बच्चों, एक्सेप्ट। सो द राइट आंसर इज द बी ऑप्शन, एड्स वुमेन हु आर द क्लिनिकली वेल ऑन एंटी रेट्रोवायरल, क्लिनिकली को वेल है और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उसे दिया जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, द राइट आंसर इज ऑनली द ऑप्शन नंबर बी, this is the correct answer. IUCD cannot be never inserted to the persons who are the having HIV and they are having the symptom of the AIDS. याद रहेगा प्यारे बच्चों कि जिन्हें HIV है and they are having the AIDS also, then the avoid for the insertion of the IUCD. So we should be clinically avoid those type of the persons, they are affected by the AIDS. These are not compatible, these are not appropriate for the IUCD. प्रोसीजर क्लियर है बेटा, अंडरस्टैंड? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9, 0.5% क्लोराइड क्लोरीन सॉल्यूशन
is prepared by using मेरे बच्चों 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन किसके द्वारा बनता है, 30% ब्लीचिंग पाउडर से या 10% 20% या 40%। 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो आपको कितना ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करना होगा, देन आप 0.5% सॉल्यूशन बना पाएंगे। मेरे बच्चों इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए प्यारे बच्चों याद रखेंगे आपको 10% ब्लीचिंग पाउडर यूज करना होता है। कितना परसेंट? 10% क्लोरीन यूज करना होता है मेरे बच्चों 0.5% क्लोराइड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। सो द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गाइस नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, linens and the surgical instruments are autoclaved for 30 minute at the आपको linen and the surgical instruments को autoclaving करना है, sterilize करना है, तो आप कितने प्रेशर पे किस कंडीशन में आप उसको स्टेरलाइज करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि linen and surgical instruments को स्टेरलाइज करने के लिए हम 50 lbs पर स्क्वायर इंच प्रेशर यूज करते हैं। कितना एक बार रिपीट करिएगा, 50। बोलो भाई एक बार बोलो बच्चों मेरे साथ कितना प्रेशर यूज करोगे। 15 प्रेशर आपको यूज करना है, 15 इंच स्क्वायर प्रेशर यू शुड बी यूज व्हेन यू वांट टू डू द स्टेरलाइजेशन ऑफ द लिनन एंड यू वांट टू डू द स्टेरलाइजेशन फॉर द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑलवेज बी इन योर माइंड, कीप इन योर माइंड दैट surgical instruments and the linen should be sterilized by using the autoclave at the 15 lbs pressure. Okay guys, so the A option is the right answer. Now see the question number 25, question number 11. Anatomical waste as the such as the placenta or body parts etc. should be segregated in the dear student, aapko anatomical waste ko segregation karna hai। बायोमेडिकल वेस्ट में से क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, आप कौन से बैग के अंदर कलेक्ट करेंगे। प्लेसेंटा से आप जानते हैं मेरे बच्चों, जब भी प्लेसेंटा आपको पूछा जाए इससे आपको याद रखना है प्लेसेंटा से पीला और पीले से होता है येलो वेव। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर गाइस, क्रिस्टल क्लियर है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12, फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द आशा at the community level except include all except। मेरे बच्चों आशा इनमें से किस किस टाइप के फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज को डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, किसे छोड़कर किसे नहीं करती हैं। फर्स्ट इज द निरोध, माला एंड इजी पिल या छाया, ट्यूबल रिंग और PTK। मेरे बच्चों प्रेगनेंसी टेस्टिंग के महेश बिजारनिया, थैंक यू सो मच डियर फॉर योर कंट्रीब्यूशन, योर लव फॉर द हुगली, थैंक यू। प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट इज आल्सो इंक्लूड्स इन दिस लिस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट आई एम आस्किंग यू दैट कि आशा कैन नॉट बी आशा, यस BMW आपको पढ़ा रखा है उसे एक बार जरूर देखना, जिसने भी लेक्चर लर्न नहीं कर रखा है वो BMW वाला क्लास जरूर पढ़िएगा। मेरे बच्चों प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट एंड ट्यूबल रिंग, माला एंड निरोल, दीज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आशा। तो आशा जो होती है, आशा वर्कर है, आशा हेल्थ वर्कर है मेरे बच्चों, निरोल ये डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, माला एंड छाया की टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं मेरे बच्चों, फैमिली प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। Only except the tubal rings. These are not the distribution list. These are not in the distribution list by the ASHA. Tubal rings should not be never distributed by the ASHA healthcare worker. And the question was asking that family planning commodities that were distribution through the ASHA and the community level include all except. तो किसे छोड़कर मेरे बच्चों? केवल tubal ring को छोड़कर बाकी सब का distribution ASHA करती हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर एंड ऑल आर गिविंग द करेक्ट, वेरी गुड। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द वाइटल स्टैटिक्स आर द, वाइटल स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट सोर्सेज आपसे पूछ रहा हूं कौन कौन से होते हैं। पॉपुलेशन सेंसेस,
सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS, then sample registration system SRS, then all of the above. So my dear student, vital statics जो होता है उसके अंदर सिविल रजिस्ट्रेशन भी आते हैं, उसमें सैंपल रजिस्ट्रेशन भी आते हैं और उसमें पॉपुलेशन सेंसिस भी आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, दी ऑप्शन इज राइट आंसर। अरे भैया मजा तो आ रहा है ना, अरे आज से KGF शुरू हो गया है, हमारे साथियों को परिवार के बाकी सदस्यों को मेरे बच्चों फ्लोरेंस के इस वंश को, फ्लोरेंस के वंशज को शेयर कर देना, बता देना, जिनको पढ़ाई नहीं मिल रहा है, जो जॉब नहीं लग रहे हैं, या जिनको पढ़ते हुए 2 से 3 साल हो गए हैं लेकिन जॉब नहीं मिला, उनके लिए गूगली में आज से जो मैंने बैच शुरू करा है आप बंद करके पैक करो, उसको ज्वाइन करके और अपनी पढ़ाई को एक बार रिन्यू करो वापस, और KGF क्लास को साथ में कंटिन्यू रखो। तो मेरे बच्चों आपको पूरी तरह से ध्यान देना है दोनों पार्ट पर, अगर थ्योरी इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट करो, गूगली में अपॉर्चुनिटी है, बैच स्टार्ट कर दिया मैंने आज से, KGF की क्लास भी आज से स्टार्ट कर दी है प्यारे बच्चों, और आप जो आपको रेगुलरली मैं सिखाता जा रहा हूं बस उसे स्ट्रॉन्ग करते जाइएगा, और जो समझा रहा हूं क्लियर है मेरे बच्चों, बात समझ में आ रहा है, आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, सबके लिए खुशखबरी की बात है दोस्तों, और 21 क्लासेस जो मैंने बीच में आपको कहा था कि उन्हें कंप्लीट कर लेना, जिसने नहीं किया है वो कंप्लीट कर लेना। तो प्यारे बच्चों ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14, नियरली हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ इज अकाउंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। हमसे कह रहा है दोस्तों कि जितना हमारा हेल्थ का बजट है उस बजट का कितना प्रतिशत बजट प्राइमरी हेल्थ केयर पर खर्च होता है, तो आप बताइएगा पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ इज अकाउंट्स ऑफ प्राइमरी केयर। तो लगभग हमारे इस पॉकेट बजट का, पॉकेट एक्सपेंडिचर का 90% बजट जो होता है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पर, प्राइमरी केयर पर खर्च हो जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेरे बच्चों नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 15, सब सेंटर कवरिंग अ पॉपुलेशन ऑफ आर कन्वर्टेड टू द हेल्थ वेलनेस सेंटर। दोस्तों आजकल आपको पता होगा सब सेंटर्स को और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को आयुष्मान भारत योजना के तहत धीरे 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 उनको आप किसमें कन्वर्ट करते जा रहे हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर कन्वर्ट करते जा रहे हो, और जहां पर आपके CHOs की पोस्टिंग हो रही है। तो प्यारे बच्चों कितने पॉपुलेशन वाले सब सेंटर्स को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर, यानी कि HWS के अंदर, HWC के अंदर, इसके अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा पॉपुलेशन क्राइटेरिया जो सब सेंटर कवर करता है वो 3000 इन द हिली एरिया और 5000 इन द प्लेन एरिया। तो दीज आर कैन बी कन्वर्टेड इन द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 16, द प्रिंसिपल ऑफ डिलीवरी ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस बीइंग टाइम टू केयर इज टू बी नॉट मोर देन। दोस्तों याद रखना प्रिंसिपल ऑफ डिलीवरी ऑफ कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर CPHC सर्विसेज के लिए कितने से ज्यादा समय नहीं लगाना होता है, नॉर्मल इसका रेंज आपसे पूछ रहा हूं टाइम का रेंज। तो याद रखना मेरे बच्चों स्टार क्वेश्चन लगा लीजिएगा इस पे, आपको बताना है कि CPHC सर्विसेज केयर प्रोवाइड करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ डिलीवरी टाइम टू केयर कितना समय इस पे आपको देना होता है CPHC सर्विसेज में। तो मेरे बच्चों याद रखना इसका स्टैंडर्ड टाइम होता है 30 मिनट का, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 30 मिनट इज द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोवाइड द CPHC केयर, ओके, प्राइमरी कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 17, एन अर्बन PHC सेंटर इज अबाउट टू पॉपुलेशन
दोस्तों अर्बन एरिया में यदि पीएससी सेंटर की बात करें तो कितनी पॉपुलेशन पर एक पीएससी होता है अर्बन एरिया में? 50,000, 60,000, 1 लाख या 70,000? प्लीज पुट योर राइट आंसर। तो गाइस याद रखिएगा, अर्बन पीएससी सेंटर जो होता है, अर्बन पीएससी सेंटर 50,000 पॉपुलेशन के ऊपर एस्टैब्लिश किया जाता है। कितनी पॉपुलेशन पर? 50,000 पॉपुलेशन के ऊपर अर्बन एरिया में एक पीएससी सेंटर लगाया जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 18। नंबर ऑफ विजिट इन द होम बेस न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ द होम डिलीवरी। दोस्तों यदि अगर न्यूबॉर्न का डिलीवरी, फीमेल का डिलीवरी यदि घर पे हुआ है तो उस कंडीशन में आपको कितनी होम केयर विजिट्स करना होता है? 5, 7, 4 and 2। जब होम बेस्ड डिलीवरी होती है और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आए कि होम बेस्ड डिलीवरी के केस में हमें कितनी होम केयर विजिट्स करना है न्यूबॉर्न के लिए, तो आपका आंसर होगा ऑलवेज इट शुड बी 7 विजिट्स मिनिमम। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस हरीश चंद्र, हर हर गोगली घर घर गोगली। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। नंबर ऑफ विजिट इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। यदि अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है तो पीएससी पे आप वर्किंग है तो आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के केस में कितने न्यूबॉर्न के लिए होम विजिट्स करना होगा? आपके पास 6 है, 5 है, 7 है, 2 है। व्हाट आर द आइडियल नंबर फॉर द होम विजिट्स इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी? और मेरे बच्चों इंस्टीट्यूशनल या हॉस्पिटल डिलीवरी के केस में आपको 6 विजिट करना होता है। राइट आंसर इज द 6 विजिट। अंडरस्टैंड, करेक्ट योर डाटा, ए ऑप्शन। अंडरस्टैंड गाइस? तो जस्ट याद रखना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में 6 विजिट और होम डिलीवरी के केस में आपको 7 विजिट करना होता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 20। एक्सपेंडेड रेंज ऑफ द सर्विसेज इन कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इंक्लूड्स। दोस्तों आपको बताना है प्राइमरी, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज को इंक्लूड्स किया जाता है। आरसीएस सर्विस, जनरल सर्विस, पैलिएटिव केयर, देन स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट ऑफ द कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल मेडिकल डिजीज, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। तो मेरे बच्चों कॉम्प्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर हम आरसीएच को भी इंक्लूड करते हैं, हम स्क्रीनिंग और मैनेजिंग ऑफ द कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल को भी इंक्लूड करते हैं, और मेरे बच्चों इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं। एंड सो द राइट आंसर इज दैट गाइस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 25। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल फॉर क्लस्टर ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर HWC फॉर मेनी डिजीज कंडीशन इन इट्स jurisdiction is a। मेरे बच्चों आपको कहना है फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरल ऑफ क्लस्टर ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर फॉर मेनी डिजीज कंडीशन इन इट्स jurisdiction is a। CSC, UPSC, PSC, none of these। What is the right answer guys? तो याद रखिएगा primary cluster of healthcare services, cluster first point of referral for cluster of health wellness center। तो guys याद रखना जो health and wellness center शुरू किया गया था, समझना है आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे कब शुरू किया था। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत हुआ था दोस्तों February 2028 के अंदर। इसमें हमारा लक्ष्य है दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि सब सेंटर्स एंड पीएससीज को कन्वर्ट करके, अपग्रेड करके, और हम क्या बना देंगे, HWC बना देंगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना देंगे, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हम एक CHO की पोस्टिंग कर देंगे। ये योजना जो शुरू हुआ था दोस्तों, ये इस फेब 2018 के अंदर हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, और इसका नाम है आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत ये योजना आता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। दोस्तों इसके अंदर सीएससी,
सॉरी सीएससी नहीं, सब सेंटर एंड पीएससी को कन्वर्ट करके और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि कौन से टाइप के इंस्टीट्यूशंस को हम रेफर कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बना रहे हैं। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, पीएससी इज द राइट आंसर गाइस, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। और आप सब ने जो आंसर किया है यूपीएससी, दैट इज नॉट द राइट आंसर। ओके गाइस, सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर है? और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि बहुत ही जल्दी 150,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण इलाकों के अंदर हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया जा सके और नीडी लोगों को हेल्थ सर्विसेज पहुंचाई जा सके। तो हमारा टारगेट है 150,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, दे आर कन्वर्टेड, दे आर अपग्रेडेड सब सेंटर्स और पीएससीज, एंड इसका जो मैनेजमेंट करेगा वो सीएचओ करेगा। देन गाइस, पैक 2018 में शुरू हुआ था और आयुष्मान भारत योजना के तहत इसको शुरू किया गया था। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 22, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। तो पहला प्रिंसिपल होता है प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूम ऑफ द केयर ऑफ ऑल इलनेसेस इन द कम्युनिटी। दोस्तों, कम्युनिटी के अंदर हर तरह की इलनेस के लिए प्रोविजन ऑफ द कंटिन्यूम ऑफ द केयर। दूसरा, स्ट्रेटेजिक मॉडिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम ऑफ द सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल। सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर एक बहुत ही सटीक मॉडिफिकेशन लेना भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का पर्पस है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क फ्लो प्रोसेस टू द अपार्ट द सीपीएससी। दोस्तों, सीपीएससी का एक अपग्रेडेशन ही हेल्थ वेलनेस सेंटर है, एंड सो द राइट आंसर इज द डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबो। क्रिस्टल क्लियर है मेरे बच्चों? अरे बोलो भाई अंजलि, मुझे पता है बेटा, आज मैंने कह रखा है कि कॉपरेट प्लीज, केवल ओनली फोकस ऑन द स्टडी, डू नॉट माइंड द वॉइस डिस्टरबेंसेस, टुडे आई डोंट हैव द एक्स्ट्रा माइक। गाइस, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 23, एसेंशियल आउटपुट ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर्स आर। दोस्तों, आपको बताना है विच इज द एसेंशियल आउटपुट ऑफ द हेल्थ वेलनेस सेंटर। हेल्थ वेलनेस सेंटर्स का एक तो हेल्थ वेलनेस सेंटर डाटाबेस, हेल्थ कार्ड, फैमिली हेल्थ फोल्डर, इंक्रीज्ड एक्सेस टू द सर्विसेज, एंड सो द व्हाट आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट एसेंशियल आउटपुट, आउटपुट्स क्या क्या हमें मिलेगा हेल्थ वेलनेस सेंटर से। तो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से हमें लोगों का डाटाबेस मिल रहा है, जो ग्रामीण एरियाज के अंदर लोग हैं उनका डाटाबेस कलेक्ट हो रहा है, हेल्थ कार्ड बन रहा है, फैमिली हेल्थ फोल्डर प्रिपेयर हो रहे हैं, इंक्रीज्ड एक्सेस टू द सर्विसेज, और सर्विसेज जो है वो छोटे से छोटे गांव तक भी हम पहुंचा पा रहे हैं। सो द राइट आंसर इज द डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबो। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों, फुलक्रम मींस होता है आधार ऑफ द सीपीसी फॉर द प्लानिंग एंड डिलीवरी और मॉनिटरिंग द मंथ सर्विस फॉर डिफाइंड कैचमेंट पॉपुलेशन। दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन को, समझिए कि आपसे कह रहे हैं फुलक्रम ऑफ सीपीसी फॉर प्लानिंग एंड डिलीवरी एंड मॉनिटर द मंथ सर्विसेज फॉर डिफाइंड कैचमेंट पॉपुलेशन। दोस्तों, हम कह रहे हैं कि आपको ये बताना डिफाइंड पॉपुलेशन के कैचमेंट के लिए कौन सी सर्विसेज और प्लानिंग एंड डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग मंथ सर्विसेज हम लोगों को आधार बना करके कार्य करना चाहिए। तो प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट HWC, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट सब सेंटर, हेल्थ केयर टीम एट PSC, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट CSC। तो किसको आधार बना करके और हमें हमारा ये मॉडल जो है वो इंप्लीमेंट करना होता है। तो दोस्तों, सही आंसर क्या होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इज द फुलक्रम फॉर डिलीवरिंग एंड मॉनिटरिंग द सर्विसेज इन द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, एंड सो द ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड गाइस, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एंड द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों, 25वां क्वेश्चन करिएगा, प्री स्कूल और स्कूल चिल्ड्रंस हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूड्स।
मेरे बच्चों आपको बताना है कि प्राइमरी स्कूल्स के अंदर और प्री स्कूल चिल्ड्रन को और स्कूल चिल्ड्रन को हेल्थ केयर सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करना होता है। पहला ऑप्शन है आपका एनुअल स्क्रीनिंग, बाई एनुअल स्क्रीनिंग, स्कूल हेल्थ रिपोर्ट, आई केयर और डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग में स्वच्छ रखना, तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा? अरे भाई बोलो, क्लास को लाइक भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बेसिक ओरल हेल्थ केयर इंक्लूड्स। बेसिक ओरल हेल्थ केयर में क्या क्या करना होता है? पहला अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन और रेफरल अबाउट द कॉमन ओरल प्रॉब्लम्स, मोबिलाइजेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ओरल कैंसर, then creating awareness about the ill effect of the substance abuse. So guys, D option is the right answer again. Very good Dheeraj. आप याद रखेंगे oral health care आपसे कह रहा हूं, तो basic oral health care question पे लगा तो बेटा very important, और आपको बताना है कि basic oral health care में क्या क्या include करेंगे आप, किस किस चीजों को ध्यान रखेंगे। तो awareness and early detection of the oral problems, mobilization for screening and the oral cancer, awareness creation about the ill effect of the substance abuse, and so the D option is the right answer guys. Crystal clear hai mere bachcho? Now see the question number 27. First aid of animal bite include all except. Yadi agar animal bite hota hai, animal bite kar le, to kaun sa care jo hai wo first aid ka part नहीं है? एक्सेप्ट में आपको जवाब देना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटनेस वैक्सीन और अर्ली वुंड किलिंग, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक, रेबीज पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट एंड स्टिचिंग ऑफ द वुंड। डियर स्टूडेंट, यदि अगर एनिमल बाइट करता है तो स्टिच लगाने की जरूरत नहीं होती है, केवल उसे आप क्लीन करते हैं, क्लीन करके और आप उसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करें, देन उसको मेरे बच्चों रेबीज पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दीजिएगा। सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द केयर आफ्टर द बाइटिंग ऑफ द एनिमल, सो द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बिकॉज क्वेश्चन वॉज आस्किंग दैट द एक्सेप्ट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 28, गोज एंड द टैप वर बेस्ट फॉर। दोस्तों गोज एंड टैप का उपयोग आपको किस कंडीशन में करना चाहिए, किसके लिए बेस्ट होता है? स्मॉल ब्रूशिंग के लिए, माइनर इंजरीज के लिए, लार्ज कट और स्क्रैप्स के लिए, या ऑल ऑफ द अबो? व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? यू वांट टू यूज द गोज एंड द टैप इन विच केसेस? और माय डियर स्टूडेंट यू शुड नो अबाउट दिस कि यदि अगर किसी को ब्रूशिंग है, स्मॉल ब्रूशिंग है, देन गोज इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। Application of the gauze is a standard practice in case of the small bruises and the minor injuries also. And guys, large cut and the scraps, in these conditions we should prefer the gauze and the tap. This is a standard practice in the nursing, and so the D option is the right answer. अरे गजोदर बात समझ में आ रहा है ना भैया सबको? कहाँ कहाँ से हो आप लोग? अरे आप लोग किस किस सिटी से हैं और कोटा से कौन कौन है? कोटा के रहने वाले कौन कौन हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं? विशाल जयपुर से हैं आप, मंदसौर से हैं, आजमगढ़ से हैं। अरे यार बता दिया करो ना, ये बच्चा फिर वॉइस का कह रहा है। यार वॉइस की दो चार बार तो मैं बात बता चुका हूं कि वॉइस में दिक्कत आ रहा है, मुझे पता है। नागौर जयपुर से महेश, झांसी से उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ बनारस, लखनऊ यूपी सीकर, लखनऊ हरिद्वार यूपी जयपुर, नागपुर जोधपुर, धौलपुर दिल्ली, शिवपुरी देहरादून। कुलदीप यूके से है भाई साहब, उत्तराखंड से है, बनारस से है,
महाराष्ट्र से, नागौर से। हाँ इको आ रहा है, करवाएंगे उसको, करेक्ट है ना, डोंट माइंड। ठीक है, रायपुर से, झारखंड से, देखिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने अपने शहर में रहकर के, इसी मेहनत को कंटिन्यू रखना है। ठीक है ना, जोश को बरकरार रखना है और रोज अपने को ऐसा वर्क कम से कम करना है, 6 आवर 6 आवर, कि हम धीरे धीरे डे बाय डे हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने लग जाएं। तो चलिएगा शुरू करता हूं, न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। सर्वेश, न्यू बैच की क्लासेस कल से शुरू हो गई, मंडे से, और आज ट्यूसडे है, 2 डेज हो चुके हैं बैच की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुए। 16 से स्टार्ट हुआ था तो डेमो करवाए 1 वीक तो, और 21 से क्लासेस रेगुलर हो गया है। फिफ्थ ऑफ द जून तक, 5 जून तक आप बैच को पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। क्लियर हो गया है, चलिए। अच्छा नीतू, आप 10122 से ऑनलाइन है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रमेश जी, सर क्लास लेना है कल, पेमेंट आ जाएगा अकाउंट में। ठीक है रमेश, मोस्ट वेलकम बेटा, और धन्यवाद आपका कि आपको इतना फैत है मुझ पे। बेटा आपके फैत को टूटने नहीं दूंगा, आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, आपके लिए जी जान लगाऊंगा तैयारी में। आप निश्चिंत होकर के ज्वाइन करिएगा, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, और आप जो अपनी जिम्मेदारी, आपके कैरियर की जिम्मेदारी मेरे हाथों में दे रहे हैं दोस्तों, ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा कर्ज है आपका, और इसे मैं चुका के रहूंगा, आपको सेलेक्ट करवा करके, आपकी जॉब लगा करके। तो प्यारे बच्चों बस बने रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और कंटिन्यू जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता जा रहा हूं उन्हें फॉलो करते रहिएगा। तो चलिएगा आगे बढ़ाते हैं अपने इस सफर को। क्वेश्चन नंबर 29, द रोल ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर इज ब्रॉडली एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट। आपको बताना है मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ब्रॉडली एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द रोल। आपको बताना रोल, द पब्लिक हेल्थ फंक्शन, लीडरशिप एट द हेल्थ वेलनेस सेंटर, एम्बुलेटरी केयर और द मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। माय डियर स्टूडेंट, करंट अफेयर की जरूरत नहीं है बेटा, करंट अफेयर हम लोगों को नहीं करना है। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दीज सब्जेक्ट्स, दे आर नॉट नेसेसरी। केवल इतना सा पूछा जाता है जितना सा आप ना भी पढ़ेंगे तो कर देंगे। ओनली यू नीड टू फोकस ऑन योर नर्सिंग सब्जेक्ट्स, केवल आपको अपने नर्सिंग के सब्जेक्ट्स को मजबूत करना है और किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर आपसे पूछ रहा हूं कि मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के क्या रोल्स होते हैं। तो पब्लिक हेल्थ फंक्शन इसका होता है, लीडरशिप एट द हेल्थ वेलनेस सेंटर, देन एम्बुलेशन केयर और मैनेजमेंट, दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ दिस पर्सन। तो गाइस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, क्रिस्टल क्लियर है बेटा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 30, की रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का की रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। तो पहला है एडरेंस टू एप्लीकेबल स्टैंडर्ड, लेट डाउन द अंडर मोड्स एंड द ईएचआर विद द सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी, कॉन्फिगरेबिलिटी एंड हाई लेवल ऑफ इंटरपरेटेबिलिटी टू इंटीग्रेट विद द स्टेट और नेशनल लेवल पोर्टल्स, मैनेजिंग द लार्ज डाटा वॉल्यूम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। And so the D option is the right answer in this question also. ICT technology के standards और roles, informations आपको ये पढ़ना है। IT का question है, different question है। और इसके जो principles हैं, इसकी जो duties हैं, वो requirements जो हैं, वो आपको learn करना है इस question के माध्यम से। Next देखिए 31.
The medicine listed as per emergency drug list for a need to be assured at the health wellness center. मेरे बच्चों आपको कहना है कि medicine listed at the as per EDL emergency drug list that need to be ensured at the health wellness center PSC sub center CSC both A and B and none of these. तो guys याद रखना PSC and sub center and CSC these are the medicines listed as per EDL for a PSC sub center or CSC need to be ensured at the health wellness center. मेरे बच्चों health wellness center जो होता है that is ensure the medications for the PSC sub center and the CSC so the both A and B C option is the right answer in this question. Next question number 32. Diagnostic services as per the guideline for the national free diagnostic initiative need to be available at health wellness center is. मेरे बच्चों diagnostic services as per the guideline for the national free diagnostic initiative need to be available at health wellness center. हेल्थ वेलनेस सेंटर पे कितने फ्री डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किए जा सकते हैं सब सेंटर पे कितने और पीएससी पे कितने उसके नंबर्स आपको बताना है और बड़ा जबरदस्त सवाल है मेरे बच्चों सब सेंटर पे एक महीने के अंदर 7 डायग्नोसिस कितने डायग्नोसिस क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर पहला सब सेंटर और पीएससी दोनों से मिलकर हेल्थ वेलनेस सेंटर्स बनता है हेल्थ वेलनेस सेंटर सब सेंटर एंड पीएससी दोनों को मिला के बनता है तो पीएससी एंड सब सेंटर पे 7 डायग्नोसिस किए जा सकते हैं और पीएससी पे 19 इन्वेस्टिगेशंस किए जा सकते हैं ये क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का क्राइटेरिया सो द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 33 द डे इन अ वीक इज टू बी फिक्स फॉर कंडक्टिंग द अपूर्वेदा क्लिनिक इज एन हेल्थ वेलनेस सेंटर दोस्तों अपूर्वेदा आयुर्वेदा क्लिनिक अपूर्वेदा भी बोलते हैं आयुर्वेदा भी कहते हैं अपूर्वेदा या आयुर्वेदा क्लिनिक हेल्थ वेलनेस सेंटर्स पे वीक में कितने दिन कंडक्ट किया जाता है 2 days 1 day एवरी अल्टरनेट डे या नॉट रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 33 और वीक में केवल एक दिन ही आपको इस तरह का अपूर्वेदा क्लिनिकल कंडक्शन करना होता है वीक में ओनली फॉर 1 day इज द राइट आंसर बी ऑप्शन क्लियर है प्यारे बच्चों नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 34 की रोल एज अ मेंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट द हेल्थ वेलनेस सेंटर इज प्लेड बाय प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे कौन सा हेल्थ केयर वर्कर का सबसे मुख्य की रोल होता है एनएम आशा सेल्फ हेल्प ग्रुप या सीएचओ किसका होता है प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा की रोल किसका होता है अब आप दुविधा में हैं कि आप सीएचओ आंसर लगाएं या फिर आप आशा लगाएंगे क्या आंसर आपको लगाना चाहिए या एनएम आपको आंसर लगाना चाहिए तो याद रखना बेटा जो की रोल होता है हेल्थ वेलनेस सेंटर्स पे मुख्य रोल होता है वो होता है प्यारे बच्चों आशा का यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर तो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स पे सबसे ज्यादा मेन की रोल इज प्लेड बाय द आशा वर्कर्स बी ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन नंबर 35 इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज आर हेल्थ वेलनेस सेंटर सर्विसेज आर आपको कहना है इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग हेल्थ वेलनेस सेंटर्स की सर्विसेज को मॉनिटर करने के लिए कौन से सिस्टम्स होते हैं तो इसकी सर्विसेज को मॉनिटरिंग के लिए विच सिस्टम्स आर अवेलेबल तो गाइस यू नो दैट HIMS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम RGI रजिस्ट्रेशन सिस्टम कम्युनिटी सर्वे And so the all of the above is the right answer in this question. D option is correct answer. Now see the question number 36. How many percentage of the salary of service provider at health wellness centers may be linked with the performance based
ऑन द मेजरेबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कितनी प्रतिशत सैलरी परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा हेल्थ वेलनेस सेंटर्स पे। हेल्थ वेलनेस सेंटर्स पे जो सैलरी दिया जाता है उसमें सैलरी का कितना परसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता है। तो दोस्तों 40% सैलरी जो होता है वो परफॉर्मेंस के बेसिस पर एम्प्लॉइज को दिया जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड गाइस, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 37। क्लिनिकल साइन फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन इन अ न्यूबॉर्न आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपको बताना है कि कौन कौन से क्लिनिकल साइंस ऐसे हैं या कौन सा साइन ऐसा है इसमें से जो न्यूबॉर्न के अंदर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस को, एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस को इंडिकेट नहीं कर रहा है। फर्स्ट हाई रेस्पिरेटरी रेट, शैलो ब्रीदिंग, चेस्ट एंड ड्रॉपिंग और स्ट्राइडर। ओनली द वन ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज दैट बाय शैलो ब्रीदिंग इज नॉट इंडिकेटिंग द इंफेक्शन ऑफ द न्यूबॉर्न। शैलो ब्रीदिंग इज नॉट इंडिकेटिंग द एयरवे रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन इन द पर्संस या इन द न्यूबॉर्न्स। दे हैव द एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, एआरआई को इंडिकेट नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 38। HIMS का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी ही टाइम पहले आपको बताया, वन क्वेश्चन बिहाइंड, बिफोर वन क्वेश्चन। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर गाइस, क्रिस्टल क्लियर है। मेरे बच्चों KGF सीरीज के बाहर आपका एग्जाम नहीं जाएगा। हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लेना, सीख लेना, और जिसको भी आपको नहीं आता है वो आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। एज पर द गाइडलाइन द अप्रोक्सीमेट टाइम टू बी स्पेंट बाय द आशा ऑन द कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी। मेरे बच्चों आशा को अप्रोक्सीमेटली कितने समय कम्युनिटी के लोगों के कॉन्टेक्ट में रहना होता है? एक वीक में कितने समय के लिए आशा वर्कर को कम्युनिटी के अंदर रहना होता है, लोगों के बीच में रहना होता है? तो कम से कम एक आशा की ड्यूटी होती है कि वन वीक के अंदर वो कम से कम 15 घंटे आशा को कम्युनिटी में रहना है, लोगों के बिटवीन रहना है। ओके मेरे बच्चों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर हो गया है सबको क्वेश्चन नंबर 39 तक। इसे याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के पर्पज से। फोल्डर यानी डिजिटल या मैनुअल फॉर एवरी फैमिली अंडर द केयर ऑफ आशा शुड हैव। दोस्तों आशा के पास हर फैमिली के लिए जो मैनुअल कार्ड होता है उसमें क्या होना चाहिए? एमसीपी कार्ड फॉर ऑल मदर्स एंड चिल्ड्रंस, सिंपल कार्ड एंड रजिस्टर टू लाइन लिस्ट ऑल द हेल्थ इवेंट्स, सेपरेट कार्ड फॉर एनी वन ऑन द टीबी, HIV, लेप्रोसी, कालाजार, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। तो डियर स्टूडेंट, द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज द डी ऑप्शन। जो आशा होती है ना, आशा वर्कर होती हैं कम्युनिटी के अंदर, उसके पास MCP कार्ड फॉर ऑल मदर्स एंड चिल्ड्रंस, दैट इज द कंपल्सरी डॉक्यूमेंटेशन, कंपल्सरी मैनुअल ब्रोशर दैट हैव दैट रिक्वायर्ड विद द आशा, दैट शुड बी कीप बाय द आशा। देन द सिंपल कार्ड, देन रजिस्टर, सेपरेट कार्ड अगर स्पेशल पेशेंट है जैसे टीबी का है, HIV का है, लेप्रोसी का, कालाजार का है, इसके लिए अलग से ब्रोशर होना चाहिए। सो द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। द फर्स्ट केस ऑफ COVID-19 इंफेक्शन रिपोर्टेड इन इंडिया वाज फ्रॉम। इंडिया में सबसे पहला COVID-19 का केस कहां से आया था, कहां पर रिपोर्ट किया गया था? और इंडिया में COVID-19 का पहला केस केरला से रिपोर्ट किया गया था बेटा। वेरी गुड, शाबाश। नाउ द फर्स्ट नोन इंफेक्शन फ्रॉम द SARS COVID-19 वाज डिस्कवर्ड इन। सबसे पहला इंफेक्शन का केस कहां से रिपोर्ट हुआ था वर्ल्ड में? हॉलैंड, वुहान, जर्मनी या ब्रिटेन? और यू नो दैट
सबसे पहला कोविड 19 का केस वुहान शहर चाइना से आया था। क्वेश्चन नंबर 43, नॉन म्यूटेशंस एंड द वेरिएंट्स ऑफ द SARS-CoV-2 इंफेक्शन इंक्लूड्स। आपको बताना है कि SARS कोरोना वायरस 2 के वेरिएंट्स कौन कौन से हैं। तो 501YV1, 501YV2, V3, ऑल दीज आर द वेरिएंट्स फॉर द SARS-CoV कोरोना वायरस 2। ये सब इसके वेरिएंट से स्टार लगा लेना मेरे बच्चों, 2022 के एग्जाम्स देने जा रहे हो, आपको ये क्वेश्चंस विशेष करके याद करना है। ओके, इनके बिना आप एग्जाम के बारे में ज्यादा बेहतर करने के बारे में विचार ना करें, आपको थोड़े लेटेस्ट टॉपिक्स पे रिसर्च करना पड़ेगा। चलिएगा 44, पर्सन यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग द मेडिकेशंस इज, वो कौन सा पर्सन है इनमें से जो मेडिकेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्पेंसिंग करता है, बांटता है। यस, नॉर्सेट में बहुत जल्दी आने वाले हैं बेटा। और फार्मासिस्ट होता है जो हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैन अप्रोचेस फॉर द सोशल मोबिलाइजेशन आर, दोस्तों सोशल मोबिलाइजेशन का मैन अप्रोच क्या होता है? पॉलिटिकल गवर्नमेंट मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी कॉर्पोरेट बेनिफिशियरी मोबिलाइजेशन, एंड सो द ए एंड बी ऑप्शंस आर द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्रिस्टल क्लियर है मेरे बच्चों, पॉलिटिकल और कम्युनिटी कॉर्पोरेट बेनिफिशियरी बोथ आर रेस्पॉन्सिबल अप्रोचेस फॉर द सोशल मोबिलाइजेशन, सोसाइटी को चलाने वाले। आरबीएस के एम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम M, on early identification or intervention in the children from birth to the year to cover the 4 Ds. दोस्तों 4 Ds के अंदर कितनी उम्र तक के बच्चों को बर्थ से लेकर के और RBS के कार्यक्रम के अंदर मेनली इंक्लूड किया जाता है, 15, 18, 20 या 12 year. What is the right answer guys? Very good, शाबाश। तो याद रखिएगा 18 ईयर ऑफ एज, बर्थ टू 18 ईयर ऑफ एज इज इंक्लूडेड इन द आरबीएस के, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट क्वेश्चन हैज द नो आंसर। दोस्तों ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता है? तो याद रखना इन्हें कहते हैं रेटोरिकल क्वेश्चंस, और रेटोरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, रेटोरिकल क्वेश्चंस दे हैव द नो आंसर। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन होते हैं, भाषण होता है जिसका कोई भी भाषणगत सवाल जो होता है इसका कोई मीनिंग कोई आंसर नहीं होता है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ल्ड हियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? तो वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट होता है, क्या कोई बता पाएगा आप में से? वर्ल्ड हियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द विच डेट ऑफ द मंथ? तो माय डियर स्टूडेंट, वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट होता है? व्हाट इज द डेट फॉर सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड हियरिंग डे? वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd मार्च, 3 मार्च को सेलिब्रेट होता है, नॉट फॉर द 30 मार्च। ओके गाइस, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर है? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 49, मेंटल हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, कौन से टाइप के डायमेंशन से मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो जाता है? डाइटरी फैक्टर, फिजिकल एक्टिविटी, सीजनल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, एंड सो द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द मेंटल हेल्थ, एंड क्वेश्चन नंबर 50, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑन द प्रीवेलेंस रेट इज। दोस्तों प्रीवेलेंस रेट किसे कहते हैं? आज के लेक्चर का अंतिम सवाल, प्रीवेलेंस रेट किसे कहते हैं? तो द नंबर ऑफ द पेशेंट हु हैव द डिजीज, नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव द डिजीज एट द पर्टिकुलर टाइम, एट द पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन एट द रिस्क ऑफ द हैविंग डिजीज एट दैट टाइम। दोस्तों एक विशेष समय में
जितने लोगों को कोई डिजीज हो चुका है दैट विल बी डिवाइडेड बाय द रिस्की नंबर ऑफ रिस्की पीपल्स दैट हैव द सेम डिजीज. तो टोटल डिजीज और डिवाइडेड बाय द रिस्की इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज द प्रीवेलेंस रेट. इसे कहा जाता है प्रीवेलेंस रेट. सो द ए ऑप्शन इज राइट आंसर गाइस इन दिस क्वेश्चन. ये आंसर की है और ये बुबली की बब्बर शर्मी भी आ चुकी है. तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट. आज क्लास में काफी सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सफर किया है, फेस किया है, लेकिन हमारा लेक्चर फिर भी यथावत संपूर्ण हो गया है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है. तो आप सबका धन्यवाद धैर्य बनाए रखने के लिए, पेशेंस बनाए रखने के लिए. थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, लव यू, विश यू ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि, गुड नाइट. एक बार जोर से बोले, हर हर बुगली, घर घर बुगली. थैंक यू सो मच, मिलते हैं वापस कल एक नए लेक्चर के साथ. थैंक यू, तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, विश यू ऑल द बेस्ट. यस यस यस, बात कर लो बेटा, आपको कुछ पूछना है तो मैं आपसे हूं, अब आप मुझसे बात कर लीजिएगा. यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप बात करिएगा, मैं रेडी हूं आपके लिए. आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. ये फर्स्ट वाला नंबर है मेरे पास ही, ये मेरे पास ही रहता है. रमेश कूलर चला के सो जा बेटा. चला ले, अभी तक नहीं चला रखा था क्या? चला ले और सो जा और करके. चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, कोई भी बात हो.